सो मेनली जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल रिफ्रैक्शन इन कैल्साइट क्रिस्टल। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डबल रिफ्रैक्शन इन कैल्साइट क्रिस्टल क्रिस्टल मेनली बेटा हमने लास्ट क्लासेस में ये बात कर ली कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने बात कर ली थी कि कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है। अब हम ये जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है ये कैल्साइट क्रिस्टल में करेंगे। हमने बेटा अच्छे से सीख लिया था कि डबल रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है कि जब एक अनपोलराइज लाइट किसी भी क्रिस्टल पर गिरती है, और वो क्रिस्टल कैसा होना चाहिए बेटा बताओ जल्दी से, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल पर गिरती है तो वो लाइट दो भाग में सेपरेट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद बेटा हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैल्साइट क्रिस्टल जिसको आइसलेट स्पार भी कहा जाता है, जिसकी रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट होता है, और क्या कहते हैं ये आपका जो कैल्साइट क्रिस्टल है मेनली यूज किया जाता है डबल रिफ्रैक्शन के लिए। तो इसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, क्या ऑब्जर्वेशंस हमारी आई, उस ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे एंड देन इस टॉपिक को हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो मेनली बेटा हमने लास्ट क्लास में कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। अगर मैं बात करूं कैल्साइट क्रिस्टल की तो मैंने बताया था कि रोम्बोहाइड्रल शेप का होता है, और रोम्बोहाइड्रल कोई भी जो शेप है वो सिक्स फेसेस से बनती है, और वो सिक्स जो फेस होते हैं बेटा वो आपके पैरेललोग्राम होते हैं, और इन पैरेललोग्राम के जो सिक्स फेसेस हैं इनका जो एंगल था बेटा वो 78 डिग्री, सॉरी ये तो बड़ा एंगल है तो ये कितना होगा बेटा 102 डिग्री, और ये एंगल 78 डिग्री। और जब ऐसे फेसेस को मिलाकर एक शेप बनाई जाती है, दिस टाइप ऑफ शेप, इस शेप को बेटा हम रोम्बोहेड्रल शेप कहते हैं, और ये आपकी शेप होती है बेटी किसकी, कैल्साइट क्रिस्टल। अब इस कैल्साइट क्रिस्टल में किस तरीके से डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है आज हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अगर इसके इन एजेस के बीच में जो एंगल देखा जाए तो ये एंगल आपका 102 डिग्री है, ये एंगल देखा जाए तो ये भी बेटा 102 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 102 डिग्री है। इन द सिमिलर वे ये एंगल भी 102 डिग्री है, ये एंगल भी 102 डिग्री है, एंड दिस एंगल इज आल्सो 102 डिग्री। बाकी जो आपके कॉर्नर है बेटा उनमें एंगल हो सकता है कोई एक एंगल 102 डिग्री हो, लेकिन तीनों के तीनों एंगल 102 डिग्री नहीं मिले। दैट्स व्हाई बेटा इन कॉर्नर्स को ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, दिस कॉर्नर आर कॉल्ड ब्लंट कॉर्नर। हमने ये सारी चीजें पीछे डिस्कस कर रहे हैं। कौन से कॉर्नर है बेटा, जिनसे जो तीनों जो एजेस बन रही है बेटा इन एजेस का जो एंगल है वो 102 डिग्री हो, उनको हम ब्लंट कॉर्नर कहते हैं। और बेटा इन ब्लंट कॉर्नर से वो कोई एक्सिस, जो एक्सिस इन तीनों एजेस से बेटा सेम एंगल बना रही हो, इन एक्सिस को हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। दीज आर द ऑप्टिक एक्सिस। क्या बताया मैंने बेटा कि ब्लंट कॉर्नर से वो एक्सिस जो एक्सिस तीनों इन एजेस से इक्वल एंगल बना रखा हो बेटा, ऐसी एक्सिस को हम ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे। ओके बेटा, और दीज आर एक्चुअली प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस। बेटा इन प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी बेटा एक्सिस हैं इनको जर्नली तुम क्या कह देते हैं बेटा, ऑप्टिक एक्सिस कह देते हैं, ऑप्टिक एक्सिस। तो मेनली बेटा ऑप्टिक एक्सिस कौन सी हुई, प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस कौन सी हुई बेटा, जो ब्लंट कॉर्नर से पास करती है, और वो एक्सिस जो तीनों एजेस से बेटा आपके इक्वल एंगल बना रही हो उसको हम ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे। और इन प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस से सारी एक्सिस जो पैरेलल है उनको हम ऑप्टिक एक्सिस की कैटेगरी में ले लेते हैं। ओके नाउ बेटा एक ऐसा प्लेन जो कि कंटेन करता हो बेटा किसको, इन ऑप्टिक एक्सिस को
और इन दो अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर है। कौन से फेसेस बेटा? दिस वन एंड दिस वन। इन फेसेस से तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है और इसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस बेटा सारी की सारी क्या कर रही है? लाई कर रही है। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ये आपको दिखा होगा बेटा। इस प्लेन को बेसिकली क्या कह रहे हैं बेटा, हम बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा बोलो ना। प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, वेरी गुड। प्रिंसिपल सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो प्लेन है बेटा जो सारी की सारी ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है और दो अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं बेटा इस प्लेन प्लेन को बनाऊं तो इस प्लेन की संरचना कुछ ऐसी सी है बेटा, ये जो बड़े वाले एंगल है बेटा ये तो 109 डिग्री के एंगल बेटा, और जो छोटे वाले एंगल है वो 71 डिग्री। इस तरीके की आपकी इस प्रिंसिपल सेक्शन की संरचना। तो ये सारे के सारे बेटा मैंने आपको रिजल्ट्स बताए जो हमने कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में पढ़े थे। कैल्साइट क्रिस्टल कैसा होता है, उसमें ब्लंट कॉर्नर क्या होता है, ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है एंड प्रिंसिपल सेक्शन क्या है। अब बेटा हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, उन ऑब्जर्वेशंस को हम ध्यान से समझते हैं कि जो डबल रिफ्रेक्शन का फिनोमेना है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ये किस तरीके से हुआ। क्लियर बेटा? आगे मूव करो। आपने नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। अब देखिएगा बेटा, पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? ये बेटा आपका मैंने अभी अभी बनाया था प्रिंसिपल सेक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। इस प्रिंसिपल सेक्शन पे इसका बेटा, इस प्रिंसिपल सेक्शन का अगर ये मैं करूं तो ये नॉर्मल हो गया। इस पर अगर कोई रे मैं डालता और ये रे बेटा आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी बताई थी बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन बेटा लोकलाइज्ड ना हो, अनलोकलाइज्ड हो, फिक्स ना हो, स्पेसिफाइड ना हो, उनको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब बेटा मैं लाइट डालता हूं, से दिस एंगल इज आई, तो बेटा ये जो लाइट है ये दो पार्ट में मेरे बेटा डिवाइड हो जाती है। एक इस तरीके से बेटा और एक स्लाइटली और थोड़ी सी डाइवर्ट होके इस तरीके से। अगर मैं लाइट्स की बात करूं, उनके नेचर की बात करूं बेटा, तो अगर ये एंगल मेरा क्या है R1 है बेटा, दिस एंगल इज से R1 एंड दिस एंगल इज बेटा R, ओके। तो एक लाइट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक में तो बेटा इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो थे उनकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और एक के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट थे वो क्या थे, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन कि जब एक अनपोलराइज लाइट मैं किसी कैल्साइट क्रिस्टल के प्रिंसिपल सेक्शन पर डालता हूं तो दिस लाइट सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। व्हेन ए, अच्छे से लिखेंगे मेरे बेटा, व्हेन ए अनपोलराइज लाइट, लाइट
इंसिडेंट ऑन प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल इट सेपरेट इंटू टू पार्ट्स। ये बेटा दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और जो ये सेपरेट हुई है बेटा वो परफेक्टली वो आपकी क्या है, पोलराइज्ड है। ये लाइट जो हमें मिली है बेटा ये क्या है, पोलराइज्ड। एक्चुअली जो ये दो लाइट बेटा, दो रेज आपकी मिली है, इस एक रे को बेटा मैं ओ रे कहता हूं और एक को मैं बेटा ई रे कहता हूं। वन इज ओ रे एंड सेकेंड इज ई रे। बेटा क्या है ओ रे, क्या है ई रे, इसके बारे में भी हम अच्छे से देखते हैं। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जब एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल इट सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है बेटा, वन रे इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे विच ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा था, स्नेल्स लॉ। जो बेटा इस रिफ्लेक्शन लॉ को ओबे करता हो, रिफ्लेक्शन लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे बेटा म्यू है, तो आपको पता होगा बाहर अगर एयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन होता है बेटा, तो अगर मैं लो आई एंगल से इंसिडेंट कर रही है तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन, बेटा क्या आएगा एंगल आर वन। तो आर वन की जो वैल्यू है साइन आर वन की, वो आपकी साइन आई बाई म्यू अगर ऐसे आ रही है, इस आर वन की वैल्यू अगर ये आ रही है, इसका मतलब इट ओबे क्या बेटा, आपका रिफ्लेक्शन लॉ। Actually, that's why it is said to be ordinary ray, because it follows ordinary laws, Snell's law. उनको follow करता है, इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, हम ordinary ray कहते हैं। ठीक है बेटा, and next thing, and another ray is called, क्या बेटा बताओ जल्दी से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे विच डोंट फॉलो ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लॉज मतलब बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको फॉलो नहीं कर रहे। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, आपको पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आई या नहीं प्लीज मुझे बताओ। कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल के प्रिंसिपल सेक्शन में डाली जाती है, तो वो लाइट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये डबल रिफ्रैक्शन की ऑब्जर्वेशंस हैं, किसके अंदर बेटा, कैल्साइट क्रिस्टल के। नाउ वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि जो लाइट हमारी बाहर निकली है डबल रिफ्रैक्शन के बाद, वो लाइट आपकी जो है वो क्या है, प्लेन पोलराइज्ड। इसी फर्स्ट पॉइंट के ऑब्जर्वेशन में ही आगे हम बढ़ते हैं। ओरे, एक्सक्यूज मी सर, नवीन सर, एंड ई रे। हाँ जी बोलो बोलो सर। जैसे इसमें जो हमारी इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है ना, हाँ, वो हमने इन प्लेन लिए, मतलब इन प्लेन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन लिए हैं। अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या बेटा, परपेंडिकुलर हो तो वो डेविएट नहीं करेगी। Perpendicular है तो वो डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो नहीं करेगा। प्रिंसिपल ये कंडीशन है। हाँ बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ तभी है जब वो प्रिंसिपल सेक्शन के अलोंग बेटा मैं लाइट को इंसर्ट कर रहा हूं। अगर हम इसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये फिनोमेना मतलब इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है। अब देखो,
ओ रे ए टी रे आर क्या बेटा प्लेन पोलराइज। बेटा प्लेन पोलराइज का मतलब तो समझते हो गए बेटा, प्लेन पोलराइज का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइट है बेटा उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम प्लेन पोलराइज कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि बेटा आफ्टर रिफ्रेक्शन वगैरह जब ये कैल्साइट क्रिस्टल से ये लाइट बाहर निकलती है तो दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, द लाइट या द रेज कौन कौन सी बेटा ओ रे एंड ई रे कमिंग आउट फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल आर पैरेलल टू ईच अदर। जो कैल्साइट क्रिस्टल से जब बेटा ये लाइट बाहर निकलेगी तो ये लाइट क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या बेटा आपको ये चीज पहली ऑब्जर्वेशन मेरी समझ में आई या नहीं? फिर मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअली ओ रे और ई रे के बारे में और अच्छे अच्छे कहानियां बताता हूँ। पहले आप ये बताइए कि ऑब्जर्वेशन नंबर वन आपको क्लियर है या नहीं, बताओ बेटा। हाँ जी, यस सर। नाउ बेटा क्या मैं पेज को टर्न करूं, नेक्स्ट पेज पे चलूं? हाँ जी बताइए। यस सर। ओके, नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमारी, ये भी कमाल की ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि अगर मान लो बेटा आपने एक ग्लास लिया, या आपने एक ग्लास लिया बेटा, ग्लास एक ग्लास एक ग्लास, ठीक है बेटा, सिंपल एक ग्लास। इस ग्लास के पीछे की साइड बेटा आपने क्या कर दिया, कोई लाइट ली, लाइट ली पीछे की साइड, पिछले वाले फेस पे बेटे आपने इस ग्लास के पीछे के एंड से बेटा क्या मारी है, क्या लाइट मारी। तो आप मुझे ये बताओ कि बेटा जो इसका फ्रंट फेस है इस फ्रंट फेस पे बेटा आपको सिर्फ एक लाइट दिखती है या वो लाइट आपको दो तीन भागों में टूटी हुई नजर आती है, बताना बेटा, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बताना। एक टॉर्च से आपने एक साइड लाइट मारी तो दूसरी साइड सिंगल निकलती है या कई निकलती है, बताना बेटा। बताओ, अरे यार अनम्यूट करके बोलो ना कुछ। सिंगल ही निकलती है सर। सिंगल निकलती है, या फिर हम एक और ऑब्जर्वेशन करें कि एक मैंने पेपर के ऊपर एक डॉट बना दिया, ये मैंने एक पेपर के ऊपर डॉट बना दिया और इसके ऊपर मैंने एक ग्लास रख दिया, तो आपको जो बाहर है बेटा वो डॉट नजर आता है, दो डॉट नजर आते हैं, एक सिंगल डॉट ही नजर आता होगा बेटा। ये तो है अपनी सिंपल ऑब्जर्वेशन एक ग्लास के साथ। लेकिन ये कहता है कि अगर आप एक कैल्साइट क्रिस्टल के नीचे, ये क्या है बेटा, कैल्साइट क्रिस्टल, और उस कैल्साइट क्रिस्टल का ये प्रिंसिपल सेक्शन, ये लाइन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन। तो अगर बेटा इसके पीछे आप एक डॉट बना दोगे तो आपको वो जो डॉट है वो डॉट बेटा दो भागों में टूटा हुआ नजर आएगा। अगर आप एक कैल्साइट क्रिस्टल को ऊपर रख दोगे किसी डॉट के ऊपर तो आपको कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर क्या नजर आएगा बेटा, दो डॉट नजर आएगा। दो डॉट मतलब कि वो जो लाइट जो निकल रही है बेटा उस डॉट से, वो लाइट आपकी दो भागों में डिवाइड हो गई, वन इज कॉल्ड ओ रे एंड सेकेंड इज कॉल्ड बेटा ई रे।
दिस इज द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। सुनने की कोशिश करना बेटा, ये क्रिस्टल को किस तरीके से रखा है इस बात पे ध्यान देना। क्रिस्टल को इस तरीके से देखा है कि ये प्रिंसिपल सेक्शन ये है बेटा, इसके पीछे ये है प्रिंसिपल सेक्शन बेटा, ये है प्रिंसिपल सेक्शन। तो इस प्रिंसिपल सेक्शन के पीछे बेटा एक डॉट लगाया और आगे से देखा तो वो दो लाइटों में टूटी नजर आई बेटा, एक तो ओ रे और एक मेरे बेटा ई रे। क्या आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आई मेरे बेटा, बताओ जल्दी से प्लीज। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं इस प्रिंसिपल सेक्शन के अलोंग एक डॉट खींच देता हूं और इस कैल्साइट क्रिस्टल को ऐसे रख देता हूं, बेटा कैल्साइट क्रिस्टल डॉट के ऊपर कैसे रखा गया वो आपको फील आ रहा है? मैंने ये डॉट बना दिया और इस डॉट पे इस तरीके से रखा है कि प्रिंसिपल सेक्शन ये है बेटा, इस तरीके से रखा है कि प्रिंसिपल सेक्शन इस तरीके से, और मैं अच्छे से बना के दिखाऊं तो देखना बेटा कुछ इस तरीके से है। थोड़ा मैं खुला करके बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। ये मान लो बेटा आपका कैल्साइट क्रिस्टल था और ये कैल्साइट क्रिस्टल का प्रिंसिपल सेक्शन था, ये वाला, ये वाला प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सपोज करो पॉइंट ए था और ये क्या था बेटा बी था, ये सी था और ये था डी, ये प्रिंसिपल सेक्शन। तो डॉट कहां लगाया बेटा इधर, और ऑब्जर्वेशन कहा है बेटा इसके अलोंग, ठीक है। तो आपने इसको इसके डॉट के ऊपर बेटा इस तरीके से इसके क्रिस्टल को रख दिया, इस तरीके से रख दिया। ये मान लो पी था, ये मान लो आर था, तो ये है ए बी पी आर, ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन इस तरीके से आपने इसके ऊपर रखा, ये डॉट था। और देख कहां से रहे हो बेटा, ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हो मेरे बेटा, बताओ जल्दी से, ऑब्जर्वेशन किस फेस से कर रहे हो बेटा, सी डी और सपोज करो ये आर एस है, आर एस से। ऑब्जर्वेशन में क्या नजर आ रहा है मेरे बेटा आपको बताओ जल्दी से, दो डॉट नजर आ, एक तो बेटा ओ रे के लिए और एक मेरे बेटा ई रे के लिए। तो ये तीनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और बेटा थर्ड। इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं इसको रखना चाह रहा हूं, क्या रखना चाह रहा हूं, पता लग गया बेटा। ये मान लो आपका पूरा प्रिंसिपल सेक्शन है ए बी सी डी, तो बेटा मैंने इस पूरे क्रिस्टल को ऐसे टेढ़ा करके इस डॉट के ऊपर रख दिया, आप समझ पा रहे हो ना बेटा कैसे रखा है। और ऑब्जर्व मैं कहां से कर रहा हूं बेटा, ये सी आर एस बी से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो मेरे को लाइट बेटा दो भागों में नजर आई। तो बेटा मैंने डॉट कहां लगाया, देखो डॉट लगाना मतलब बेटा वहां से लाइट निकल रही है, तो देख लो लाइट प्रिंसिपल सेक्शन से आएगी ना बेटा क्रॉस होते हुए, और प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होते हुए आएगी तो वो डबल रिफ्लेक्शन शो करेगी। क्या आपको बेटा ये फिगर समझ में आई, तीनों मेरे को ये बताओ पहले प्लीज बेटा। हाँ जी यस सर, फील कर पा रहे हो ना बेटा इस चीज को। अब देखो तो ऑब्जर्वेशन को हम अच्छे से लिखते हैं बेटा, ये पिक्चर्स हमने बना ली, इसके बाद लिखते हैं इफ ए डॉट या बेटा मार्क कहते है ना, मैंने कोई मार्क लगा इज मेड ऑन ए पेपर, and then the calcite crystal, ठीक है ना, then the calcite crystal is placed on it, और उसके ऊपर calcite crystal बेटा क्या कर देते हैं, place कर देते हैं, such that किस तरीके से बेटा
कि जो ये ए बी है बेटा, जो आपका प्रिंसिपल सेक्शन का पार्ट है वो डॉट के ऊपर लाई करे, सच दैट ए बी लाई ऑन डॉट। ए बी मेरे बेटा क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन जो है वो डॉट के ऊपर लाई करे, प्रिंसिपल सेक्शन का जो एक फेस है बेटा वो डॉट पे लाई करे, क्या पार्ट ऑफ द फेस ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन लाई ऑन डॉट, इस तरीके से रखना है मेरे बेटा। बताओ पहले समझ में आया नहीं आया? हाँ जी बेटा, यहां तक समझ में आ गया, हमने इस तरीके से रखा। इससे फिर क्या ऑब्जर्वेशन मिली बेटा, टू इमेजेस आर सीन थ्रू द क्रिस्टल। हमें दो इमेज बेटा देखने को मिली, द इमेज आर प्रोड्यूस्ड बाय, बेटा इनको क्या कह देते हैं हम बताओ, ओरे एंड ईरे। ठीक है बेटा, हालांकि बेटा ये जो ओरे और ईरे हमें मिल रही थी, दो जो डॉट हमें नजर आ रहे थे, इसकी बेटा इंटेंसिटी थोड़ी सी कम नजर आई, जो ओरिजिनल डॉट की इंटेंसिटी थी उससे बेटा इंटेंसिटी आपकी जरूर कम आई बेटा, होगी क्योंकि लाइट दो पार्ट में डिवाइड हुई है तो इंटेंसिटी आपकी जो है वो कम नजर आएगी, हालांकि इंटेंसिटी आपकी क्या हुई बेटा, थोड़ी सी जो कम थी। तो ये बात भी लिख देता हूं, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस आर लेसर देन दैट ऑफ ओरिजिनल मार्क। जो ओरिजिनल मार्क था बेटा उससे जो इंटेंसिटी थी वो आपको लिटिल बिट कम नजर आए, ठीक है बेटा, लेकिन इस तरीके से आपको इंटेंसिटी दिखी। अब बेटा कमाल की ऑब्जर्वेशन तो अब है, अगर बेटा मैं इस कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट करूं, अब बहु के साथ रोटेट कैसे करें, अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूं, किस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊं इस पूरे क्रिस्टल को बेटा इस दिशा में रोटेट करूं, इस तरीके, समझ रहे बेटा, ऑप्टिक एक्सिस से इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, कैसे रोटेट कर रहा हूं मेरे बेटा बताओ, कि अगर ये आपका क्रिस्टल बनाया मैंने, बेटा दोबारा बना लेना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से नंबर आएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा बेटा। ये जिस क्रिस्टल था बेटा कैल्साइट, और ये मेरे बेटा उसका प्रिंसिपल सेक्शन था, और इधर कहीं डॉट लगाया था बेटा आपने, ठीक है ना, इस साइड। तो बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से पूरे को रोटेट करता हूं, ये मैंने रोटेट कर दिया बेटा इस एक्सिस पर, ये एक्सिस बना ले इसको, इस एक्सिस के अबाउट बेटा मैं इसको रोटेट करता हूं, तो कमाल का फिनोमेना है क्या, कि जो बेटा ओरे का जो डॉट है ना वो तो फिक्स ही रहेगा, और बेटा जो ईरे का जो डॉट है ना बेटा वो एक रोटेट करने लग जाएगा जैसे जैसे बेटा आप इस क्रिस्टल को रोटेट करो। दोबारा सुनना बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इसको रोटेट करता हूं किस एक्सिस पे, चलो सपोज करो उस एक्सिस से रोटेट करता हूं जिस एक्सिस पर ओरे का पॉइंट मिला था, उस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करूंगा बेटा तो ये कह रहा है कि ओरे पॉइंट तो ओरे का तो डॉट फिक्स रहेगा, लेकिन ईरे जो है बेटा वो एक सर्कल में मूव करने लग जाएगा। ये भी बेटा एक खासियत है किसकी, ओरे और ईरे को डिस्टिंग्विश करने। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई क्या, अरे मैं लिखवा दूं क्या ये बात, बताओ बेटा ये ऊपर वाली चीज इरेज कर दूं? यस सर। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, कि जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता हूं, इफ द क्रिस्टल एस रोटेटेड स्लोली अबाउट एन
एक्सिस पासिंग थ्रू ओ इमेज द ई इमेज मूव राउंड इन ए सर्कल व्हाइल द ओ इमेज रिमेन स्टेशनरी। और ए की जो इमेज है बेटा वो तो फिक्स रहती है और ई रे जो है बेटा वो आपका घूम जाता है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊं तो और ए की जो इमेज बनी थी बेटा वो तो रिमेन फिक्स और जो ई रे का इमेज थे वो रोटेशन के साथ बेटा एक सर्कल बना रही है। ये ई इमेज है ठीक है। और ये क्या थी बेटा ओ इमेज। तो ओ इमेज तो बेटा आपको क्या निकल रहा है ऑर्डिनरी रे के कारण जो इमेज आई है वो तो आपको क्या नजर आएगी बेटा स्टेशनरी और ई रे का जो है वो एक सर्कल बनाती हुई नजर आएगी। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और बेटा इस ऑब्जर्वेशन से कमाल की बात पता लगती कि अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो तो बेटा ओ रे की तो क्या कहते हैं इमेज फिक्स है ना। इसका मतलब बेटा ओ रे का जो रिफ्लेक्ट ओ रे की जो वेलोसिटी है बेटा वो क्रिस्टल में क्या नहीं करती वेरी नहीं करती रोटेट करने से भी वेरी नहीं करती। एक्चुअली ई रे की इमेज बेटा चेंज क्यों कर रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज कर रही है। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा जब ओ रे और ई रे के बारे में एक डिफरेंस बना के टेबल बनाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। एक्चुअली ओ रे की इमेज फिक्स है ये सिग्निफाई करती है कि ओ रे की जो स्पीड है वो आपका हर एक डायरेक्शन में बेटा सेम बट ई रे की इमेज रोटेट कर रही है इसका मतलब ये है वो क्रिस्टल के रोटेट करने के साथ रोटेट कर रही है। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो हर डायरेक्शन में क्या नहीं है बेटा सेम नहीं। ये बात भी हम एक स्टार बना के अच्छे से लिखते हैं। क्या लिखा बेटा मैंने कि ओरे की जो आपका ओरे के कारण जो इमेज बनी है वो फिक्स है वो क्या सिग्निफाई कर रही है बेटा। तो इस चीज को भी लिखते हैं देखो इट शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन मतलब चलना ऑफ ओ रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। भाई रोटेट करने से भी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब रोटेट करने से बेटा क्रिस्टल चेंज कर रहा है ना। पहले कुछ क्रिस्टल था रोटेट कर गया तो कुछ आ गया लेकिन बेटा ओरे वही की वही है। मतलब ओरे का जो स्पीड ऑफ लाइट है बेटा ओरे की जो लाइट है वो चेंज नहीं कर रही डायरेक्शन को चेंज कर रही क्रिस्टल चाहिए आप कैसे भी करेंगे। एंड सेकेंड थिंग व्हाइल दैट ऑफ ई रे चेंज विद द डायरेक्शन ई रे की बेटा स्पीड है वो डायरेक्शन के साथ मेरे बेटा क्या कर रही है चेंज कर रही है तभी तो बेटा वो आपका डॉट मूव करता जा रहा है जैसे जैसे क्रिस्टल आप रोटेट करते जा रहे हैं। क्रिस्टल रोटेट करने के साथ अगर आपका डॉट मूव नहीं कर रहा इसका मतलब कि वो मूव करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड है वो सेम है। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ डबल रिफ्रेक्शन इन ए कैल्साइट क्रिस्टल। तो जब भी कभी डबल रिफ्रेक्शन कैल्साइट क्रिस्टल में पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्लेन व्हाट इज द कैल्साइट क्रिस्टल व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री एंड देन द टू ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कि किस तरीके से एक लाइट अनपोलराइज्ड लाइट को एंटर करवाता हूं तो लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक ओरे कहलाती है एक ई रे कहलाती है ठीक है। और फिर इनके बारे में हम सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ अब हमें इसके बारे में ये पढ़ना है मेनली कि ओरे और ईरे में डिफरेंस क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो मैं लिंक शेयर करता हूं बेटे एक बार दोबारा लिंक को ज्वाइन करो प्लीज।
लो अब बेटा मेनली मेरे को एक टेबल बनानी है जिसमें मेरे को ओरे और इरे के बारे में डिफरेंस बताना है। तो अब मैं बेटा क्या बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेसिकली ओरे एंड इरे क्या होती है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रे। आप बहुत सी बातें मैंने बता दी हैं, आप इनको बस लिखते चले जाएं। मैंने पहली बताई बेटा ऑर्डिनरी रे वो होती है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, जो रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करती वो ऑर्डिनरी नहीं होती, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो द फर्स्ट पॉइंट, ओ रे ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ई रे डज नॉट ओबे ओबे या फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट चीज कि जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जो होती है बेटा, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती है, लेकिन ओरे कैसी होती है बेटा, ओरे परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ई रे इज पैरेलल टू द प्लेन। तो सेकंड पॉइंट इज बोथ ओरे एंड ई रे आर प्लेन पोलराइज्ड। They are polarized. They are polarized in mutual perpendicular direction. एक अगर parallel to the plane है तो दूसरा क्या है बेटा, perpendicular to the plane, mutual perpendicular plane. Planes. The electric field vector of O ray vibrates क्या बेटा, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane या perpendicular to the principal section भी कह सकते हैं बेटा। Perpendicular to the principal section and the electric field vector of E ray vibrate parallel to the plane या principal section. This is also important observation. This is also the important difference between the both of them. Third point, कि O ray की जो speed है बेटा, वो direction पर depend नहीं करती, वो हर direction में क्या होती है बेटा, same. But E ray की जो speed है बेटा, वो direction पर आपके क्या करती है, depend करती है. हाँ, एक condition में दोनों की speed same हो जाती है बेटा. अगर O ray अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट को जो जो ऑप्टिक एक्सिस नाम की आपने बात सुनी थी उस ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर गिरा दूंगा, अगर मैं उस डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कर दूंगा तो आपकी ओ रे और ई रे जो बनेगी उन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, समान रहेगी। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज ओ रे ट्रेवल्स with the same speed in all direction within the crystal. Look at the crystal within the crystal. और E ray के बारे में, the E ray travels with different speed
along different direction in the crest. However, the speed of E ray will be equal to that of O ray along the optic axis direction. बेटा जो ऑप्टिक एक्सिस के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में दोनों की स्पीड बेटा समान होती है. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस ओरिएंटेशन कि जो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में दोनों की स्पीड बेटा क्या रहेगी आपकी समान. क्या बेटा आपको ये चीज समझ में आई या नहीं प्लीज मुझे बताओ. हाँ जी बेटा बताओ. तीन पॉइंट क्लियर हो गए मेरे बेटा. यस सर. ओके नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बेटा मैंने अभी अभी कहा कि ओरे की जो स्पीड है बेटा वो आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है. मतलब सभी डायरेक्शन में सेम. बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है सी बाई बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो अगर बेटा स्पीड सेम है तो म्यू भी क्या हो गया बेटा सेम हो गया. तो ओरे के कोरस्पोंडिंग जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होता है बेटा कॉन्स्टेंट होता है. लिखो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स कोरस्पोंडिंग टू ओ रे इज कॉन्स्टेंट और कितना मेरे बेटा म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई वी. मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द क्रिस्टल. बट द नेक्स्ट पॉइंट जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का वो आपका वेरी करता है. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोरस्पोंडिंग टू ई रे इज वेरी वो बेटा अलग अलग होता है. अब मैं कल आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल भी आपका फर्दर दो प्रकार का होता है पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल. पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे होता है बेटा वो आपका ओरे के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और नेगेटिव में वो कम होता है. तो उस चीज को हम बाद में करेंगे. मतलब म्यू यहां पर क्या कर रहा है बेटा वो वेरी कर रहा है चेंज कर रहा है. ठीक है ना. क्यों चेंज कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है आपकी वो क्या कर रही है चेंज कर रही है. अब नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से वो चेंज करता है किस क्रिस्टल के लिए कैसा उसका बिहेवियर है उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें. तो आपको मेनली इन तीन चार डिफरेंसेस के बारे में ओरे हीरे के बारे में पढ़ता है एंड डबल रिफ्रैक्शन कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ना. कल ये काम करके हम डबल रिफ्रैक्शन इन निकोल प्रिज्म पढ़ेंगे एंड देन ये जो काम है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. फिर एक अनदर लेवल का काम चलेगा. तो यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से. हाँ जी किसी कोई डाउट हो तो पूछो प्लीज. अटेंडेंस के लिए बेटा प्रेजेंट लिख के भेज दो जल्दी से फास्ट. चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख के भेज दो फास्ट. अर्जेंट लिख के भेज दो फास्ट. भेज दिया तो जिसने भेज दिया वो लिंक पर चला जाओ. सर हाँ बोलो बेटा. हाँ जी बोलिए. सर आपने पूछा मेरा नाम कट गया था रोल नंबर 02. आप बेटा ज्वाइन करते रहो क्लास. ठीक है एक्चुअली मैं उधर गया नहीं हूँ क्लास यहीं से स्टार्ट हो गई थी बेटा. तो आप एक बार करते रहो कोई दिक्कत नहीं है और मैं पूछ लेता हूँ आपसे कोई.